सदिशों का सदिश गुणन, कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे और जैसा कि हमको मालूम है दो सदिश ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, यहाँ थीटा उन दोनों के बीच का कोण, और एन कैप जो है दोनों सदिशों के लंबवत एक एकक सदिश है। कल इस पर जब बात हुई थी तो उसमें कुछ सूत्रों को हमने देखा था, आज उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करें। जैसे अगर देखोगे एक प्रश्न है, एक त्रिभुज OAB में OE बराबर 3i प्लस 2j माइनस k कैप और वेक्टर OB इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है एक त्रिभुज OAB में वेक्टर OA बराबर 3i प्लस 2j माइनस k के, वेक्टर ओ बी बराबर आई के प्लस 3j के प्लस k के, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको मालूम है कि यदि किसी त्रिभुज के दो आसन्न भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा निरूपित किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है r मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। उसी को लेकर हम इस प्रश्न को हल करते हैं कि यदि ये त्रिभुज ओ ए बी है ये वेक्टर OA हो गया और ये वेक्टर OB हो गया, तो यहां हमको वेक्टर OA इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस k के 3i के प्लस 2j के माइनस k के, तथा वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू दिया हुआ है आई के प्लस 3j के प्लस k के, अतः पहले हम ओ ए क्रॉस ओ बी निकाल लें। ओ ए क्रॉस ओ बी हमको मालूम है कि यदि सदिश घटक के रूप में दिए हुए हैं तो दोनों सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट की सहायता से हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। पहले रो में आई के जे के, दूसरे रो में ओ ए का प्रथम सदिश का आई केप जे केप के केप के गुणांक को मिलेंगे 3, 2, -1, और तीसरे रो में लेंगे ओ बी के जो गुणांक होंगे आई केप जे केप के केप के 1, 3, 1। तो ओ ए क्रॉस ओ बी इज इक्वल टू हमको प्राप्त होगा ओ ए क्रॉस ओ बी इज इक्वल टू, अगर देखें
पहले रो के सापेक्ष अगर हम सरल करते हैं तो आई कैप इंटू ये आई कैप से ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, दो गुणित एक दो ऋण थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, इस माइनस के कारण माइनस माइनस थ्री कितना हो जाएगा प्लस थ्री, माइनस जे कैप इंटू ये छूट जाएगा कॉलम, ये रो छूट जाएगा तो हमको मिलेगा थ्री इंटू वन थ्री माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस वन, प्लस के कैप इंटू के कैप को बिलोंग करने वाले जो रो और कॉलम है उसको अगर छोड़ दें तो थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस वन इंटू टू टू। ये दो सदिश का हमको क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त होगा और सरल करने पर हमको मिलेगा टू प्लस थ्री फाइव आई कैप माइनस थ्री प्लस वन फोर जे कैप नाइन माइनस टू सेवन के कैप प्लस सेवन के कैप। ये ए क्रॉस बी है, ओ ए क्रॉस ओ बी प्राप्त हुआ। यदि हम इसका मॉड निकालें इसलिए मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी ये बराबर होगा, ये ओ ए क्रॉस ओ बी है तो इसका मॉड प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट फाइव स्क्वायर प्लस माइनस फोर स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर। सरल करने पर मिलेगा फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस फोर स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन प्लस सेवन स्क्वायर हो जाएगा फोर्टी नाइन। राशियां जब जुड़ेंगी तो पाँच और छः ग्यारह और नौ बीस का शून्य, हासिल का दो 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 चार और एक पाँच और चार नौ। अतः इसको लिखा जा सकता है तीन वर्गमूल दस। इसलिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है हाफ मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी। अगर ओ ए क्रॉस ओ बी के मॉड का मान रख दें तो प्राप्त होगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो, ओ ए क्रॉस ओ बी का मान अपने को प्राप्त हुआ है तीन वर्गमूल दस, तीन बटा दो वर्गमूल दस वर्ग इकाई। इस प्रकार से हमको दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान प्राप्त करना होगा। चलिए इसी से संबंधित ये तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो गई, एक दूसरा प्रश्न लेते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित। प्रश्न ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाएं क्रमशः a इज इक्वल टू टू आई माइनस जे प्लस के के और b इज इक्वल टू थ्री आई प्लस फोर जे माइनस के के से निरूपित है। प्रश्न है
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। जिसकी दो आसन्न भुजाएं सदिशों A इज इक्वल टू 2i-j+kk, 2i-j+kk और B इज इक्वल टू 3i+4j-kk। सेल रिपीट है। ये प्रश्न है और हमको मालूम है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं किन्हीं दो सदिशों के द्वारा निरूपित होती हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड के इक्वल होता है। उसे लेकर जब हम हल करेंगे तो प्रश्न तो पुराने प्रश्न के समान ही है। यहां समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं वेक्टर A इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i-j+kk और वेक्टर B इज इक्वल टू दूसरी जो आसन्न भुजा है ये दिया है वेक्टर B इज इक्वल टू 3i+4j-kk। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। इसलिए A क्रॉस B ये बराबर होगा पिछले प्रश्न के समान, पहला रो हो जाएगा i-j-k, दूसरा रो होगा a-k के जो i-j-k के घटकों के गुणांक होंगे 2-1, 1 और B के जो गुणांक है 3-4-1। इसको जब सरल करेंगे तो वेक्टर A क्रॉस B ये इज इक्वल टू पहले रो के सापेक्ष अगर हल करते हैं तो i-k को बिलोंग करने वाला ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, -1 × -1 = -4 × 1 = 4, -j-k × j-k को मिलान करने वाले जो रो और कॉलम है देख रहे हैं ये रो छूट जाएगा ये कॉलम छूट जाएगा, 2 × -1 − 2 − 3 × 1 = 3 + k-k × k-k, ये कॉलम छूट जाएगा ये रो छूट जाएगा 2 × 4 = 8 −3 × −1 − 3, तो −-3 + 3 हो जाएगा, ये A क्रॉस B प्राप्त होगा और A क्रॉस B इज इक्वल टू तब जाकर लिखा जा सकता है 1 − 4 − 3i-k − 2 − 3 − 5 − j-k, तो ये हो जाएगा 5 j-k
8 प्लस 3 11 के के प्लस 11 के के, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी। इसलिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जब निकालेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये बराबर होगा अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। सरल करने पर प्राप्त होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 11 स्क्वायर 121, या फिर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 5 14, 14 और 1 15 का 5, हासिल का 1, 1 2 3, 3 2 5 और 1, वर्गमूल 155, रूट 155। अतः ये इसका मॉड है। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमको ज्ञात करने कहा गया है, ये होगा रूट ऑफ 155 वर्ग इकाई। ये दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो जब हम किसी सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालना जानेंगे, तो उस आधार पे हम किसी दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसी एक बात हुई थी, जब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया हो और हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न ये कहता है कि यदि वेक्टर a बराबर 2i माइनस 3j प्लस k के और b इज इक्वल टू माइनस i के प्लस k के, वेक्टर c इज इक्वल टू 2j के माइनस k के हो, तो सिद्ध कीजिए उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण a प्लस b और b प्लस c हैं, 1/2√21 वर्ग इकाई होगा। ये इन प्रश्नों में, इस प्रश्न में हमको विकर्ण दिया हुआ है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न है, यदि a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k के b इज इक्वल टू माइनस आई के प्लस के के और वेक्टर c इज इक्वल टू
टू जे माइनस के के ए बी सी दिए हुए हैं तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसके विकर्ण b प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी है। तो ये जो प्रश्न है इसको जब सरल करना होगा हमको, तो पहले हम इसका विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण जब ज्ञात हो जाएगा तो हमको मालूम है कि किसी समांतर चतुर्भुज के का जो क्षेत्रफल होता है वो उनके विकर्णों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड के बराबर होता है। तो पहले इसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो ए प्लस बी विकर्ण है तो पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे, देन फिर हम बी प्लस सी निकाल लेंगे। ये दोनों विकर्ण ज्ञात हो जाएगा और विकर्ण करके ज्ञात होने पर हम उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले मान लेते हैं इसका जो हल होगा, सपोज ये मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है ओ ए बी सी, या ए बी सी भी कर देते हैं, ए बी सी डी। तो प्रश्न में जो दिया है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, पहले इसको हम लिख लें। यहां वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के के, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई के प्लस के के, और वेक्टर सी इज इक्वल टू दिया हुआ है टू जे के माइनस के के के। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ए प्लस बी और बी प्लस सी है, अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी का, ए बी सी डी का विकर्ण ए सी बराबर, इसका पहला विकर्ण होगा ए सी, ये बराबर दिया हुआ है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और बी का अगर मान रख दें 2i माइनस 3j प्लस के के, प्लस बी का अगर मान रख दें माइनस आई के प्लस के के, तो पहला विकर्ण प्राप्त होगा 2i माइनस आई केप, आई केप माइनस थ्री जे, यहां जे वाला पद नहीं है, माइनस थ्री जे केप प्लस के केप प्लस के केप प्लस टू के केप, ये पहला विकर्ण होगा। तथा
दूसरा विकर्ण बी डी ये बराबर प्राप्त होगा दूसरा विकर्ण दिया हुआ है बी प्लस सी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बी का मान है माइनस आई के प्लस के केप के प्लस सी सी का वैल्यू है प्लस डू टू जे केप माइनस के केप टू जे माइनस के सरल करेंगे तो वेक्टर बी डी इज इक्वल टू माइनस आई के यहां आई के वाला पद नहीं है तो माइनस आई के यहां जे वाला पद नहीं यहां प्लस टू जे के प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा तो वेक्टर बी डी इज इक्वल टू मिलेगा माइनस आई के प्लस टू जे के ये दोनों विकर्ण होंगे अतः पहले हम दोनों विकर्णों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी डिटरमिनेंट से आई केप जे केप के केप वेक्टर ए सी ए सी का गुणांक है ये ए सी है ए सी गुणांक 1 माइनस 3 2 वेक्टर बी डी बी डी का गुणांक अभी हमने निकाला था 1 माइनस 1 0 माइनस 1 जे का गुणांक है 2 के वाला पद नहीं है इसलिए 0 अब जब इसको सरल करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा AC क्रॉस BD इज इक्वल टू IK इंटू ये कॉलम छूट जाएगा ये रो छूट गया माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस JK इंटू जेके जिस कॉलम को मिला ये कॉलम छूट जाएगा ये रो छूट जाएगा 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस केकेप इंटू केकेप में ये छूट जाएगा ये रो छूट जाएगा 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 कुल मिलाकर हमको मिलेगा माइनस 4 आई के माइनस 2 जे के माइनस के ये ओबी ओ ए क्रॉस ओबी होगा अब अगर देखें अतः हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो विकर्णों के क्रॉस प्रोडक्ट के हाफ के बराबर होता है अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ये बराबर होता है इसका सूत्र होता है हाफ मॉड ऑफ
विकर्णों का क्रॉस प्रोडक्ट AC क्रॉस BD। इसमें अगर हम मान रख दें तो हाफ मॉड ऑफ AC क्रॉस BD, ये हमने निकाला है माइनस फोर आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के या फिर हाफ अंडर रूट माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। सरल करने पर मिलेगा ये बराबर अभीष्ट क्षेत्रफल हाफ अंडर रूट 16 धन ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4 धन 1 का वर्ग हो गया 1 16 4 20 और 1 21 अंडर रूट 21 अपॉन 2 वर्ग इकाई। तो यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। और इससे रिलेटेड ए क्रॉस बी या सदिश गुणनफल से और कुछ प्रश्न अगर देखोगे तो सभी प्रश्न इसी प्रकार के होंगे जिसमें से हम किसी त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न देखें क्रॉस प्रोडक्ट से। प्रश्न है सिद्ध कीजिए 2i माइनस j प्लस kk तथा 3i प्लस 4j माइनस kk में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश माइनस 3i प्लस 5j प्लस 11kk अपॉन 1.155 है। यह भी सिद्ध कीजिए कि उनके बीच का कोण रूट ऑफ 155/156 होगा। प्रश्न यह है सिद्ध कीजिए कि सदिशों y माइनस जे प्लस के तथा 3i प्लस 4j माइनस के में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश माइनस 3i प्लस 5j प्लस 11kk
अपॉन रूट ऑफ 155 है तथा उनके बीच का कोण की ज्ञात बीच के कोण की ज्ञात रूट ऑफ 155 अपॉन 156 होगा। जस्ट ये दिया हुआ, तो पहले तो हमको ये निकालना है कि जो दो सदिश दिए हुए हैं 2i माइनस j प्लस kk और 3i प्लस 4j माइनस kk, इन दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश माइनस 3i प्लस 5j प्लस 11kk अपॉन रूट 155 होगा। पहले वाले सदिश को हम वेक्टर a मान लेते हैं। यहाँ वेक्टर a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस kk और वेक्टर b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस kk। दोनों के लंबवत हमको मात्रक सदिश निकालना है, तो थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सप्लेन कर लें, a क्रॉस b बराबर चूंकि वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू n के, जहां n के दोनों के लंबवत दिशा में एकक सदिश है। अगर हम इसका मॉड ले लें तो मॉड ऑफ a क्रॉस b ये इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा, इस पूरे का मॉड। और अगर हम इसका मॉड लेंगे मॉड ऑफ n के, तो n के तो एकक सदिश है, इसका मॉड कितना हो जाएगा 1। कुल मिलाकर अगर देखें तो मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू हमको मिलेगा ए बी साइन थीटा। इन दोनों समीकरण को अगर डिवाइड कर दें, ये मान ले सपोज पहला समीकरण है ये दूसरा, तो 1 डिवाइडेड बाय अगर 2 कर दें 102 को भाग दे दें तो हमको मिलेगा n कैप इज इक्वल टू हमको मिलेगा, राइट साइड को पहले लिख रहा हूं, मॉड ऑफ a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा था कि जब हमको एकक सदिश निकालना होगा तो दोनों के लंबवत दिशा में एकक सदिश निकालने के लिए हमको पहले इसका a क्रॉस b निकालेंगे और जो a क्रॉस b प्राप्त होगा उसका फिर मॉड निकालेंगे, और मॉड निकालकर इस सूत्र की सहायता से हम n कैप का मान निकाल लेंगे। चलिए अगर हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, a का मान है 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, b का मान है 3 4 माइनस 1, सरल करने पर मिलेगा 1 क्रॉस b इज इक्वल टू आई कैप इंटू अगर देखोगे तो 1 माइनस 4 माइनस j कैप इंटू j कैप जब होगा तो ये छूट जाएगा माइनस 2 माइनस 3
प्लस के कैप इंटू 8 माइनस माइनस 3, 8 प्लस 3, ये इज इक्वल टू माइनस 3 आई के प्लस 5 जे के प्लस 11 के, ये ए क्रॉस बी का मान होगा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालें तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, इसलिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये बराबर अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 11 का स्क्वायर 121, अगर जोड़ दें तो 9 5 14 और 1 15, 3 और 2 5 155। इसलिए एन कैप इज इक्वल टू वो जो सूत्र लिखे हैं ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मान था माइनस 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप अपॉन रूट 155। इस प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी का मॉड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। इस सूत्र से आप दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।